नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। लोकसभा चुनाव खत्म हुए उसके बाद जब रिजल्ट सामने आया तो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका था, और ये झटका उन्हें लगा यूपी से। 29 सीटें यहां बीजेपी के हाथ से चली गई। जिस तरीके से हमने देखा, यूपी से सबसे ज्यादा उम्मीदें थी बीजेपी को, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा निराशा मिली। क्या वजह रही? अलग अलग राजनीतिक विशेषज्ञ इसको लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन अब बारी विधानसभा चुनाव की है। विधानसभा चुनाव 2027 में होगा और उसको लेकर के भी अटकलों का बाजार गर्म है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर संदेह है। कैसा रहने वाला है योगी आदित्यनाथ का भविष्य? विधानसभा चुनाव में किस तरीके से उनको आगे किया जाएगा या किस तरीके से उन्हें पीछे किया जाएगा, आज इसी पर बातचीत करेंगे। और खास बातचीत के लिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार खुशबू जी, नमस्कार दर्शकों, हर हर महादेव। सर, योगी आदित्यनाथ को लेकर के बात करेंगे। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा काफी ज्यादा उथल पुथल उनकी राजनीतिक लाइफ में चल रहा है। अब देख रहे होंगे लगातार लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इसी बात की चर्चा है कि सीएम योगी आगे शायद उस तरीके से कंटिन्यू ना कर पाए, लेकिन दूसरी चर्चा ये भी है कि उन्हें कोई हटा नहीं सकता है। क्या कहता है योगी आदित्यनाथ का राशिफल, या फिर क्या कहती है उनकी, आपकी गणना क्या कहती है? देखिए खुशबू जी, योगी आदित्यनाथ के बारे में भी जल्द ही आप ही के मंच पर हमने बोला, जिस समय यह घटनाएं चल रही थी उसके पहले भी हमने रिकॉर्ड किया था वीडियो, कि 2022 के बाद अगर योगी आदित्यनाथ को सबसे बड़ी उलझन है तो उनके अपने ही घर में, यानी उनके अपने ही शासन में, उनके अपने ही सरकार में बैठे, उनकी अपनी पार्टी में बैठे उनके ही विरोधियों से है। अज्ञात शत्रु से उनको हमेशा अब डर रहेगा। हालांकि जिस पीठ से, जिस मठ से वह आते हैं, वह मठ शैव धर्म की सबसे बड़ी पीठ है। गोरखनाथ पीठ शक्ति का केंद्र है। 64 योगिनियां और 11 बटुक भैरव उस स्थान की रक्षा करते हैं, और उस स्थान का स्वामित्व जो करता है उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। यही एक कारण है कि आज नहीं, अनादिकाल से, जब से योगी आदित्यनाथ उस मठ के गद्दी पर बैठे हैं, तब से वह सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लोग पूर्वांचल या बिहार के सटे हुए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बॉर्डर से सटे हुए हिस्से से जुड़े हुए हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब योगी जी के पास कोई बड़ा पद नहीं था, उस समय भी वह अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। और जहां कहीं भी पूर्वांचल में या जहां कहीं भी उनको सुनने में आता था कि सनातनियों के लिए उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वहाँ वह अपनी व्यक्तिगत प्रभाव लेकर के वहाँ लड़ाई लड़ते थे। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ जो हैं, वह राजनीतिक पद के लोभी होकर के कभी उन्होंने काम नहीं किया। यही एक कारण है कि नाम ना होते हुए भी वह अपने आप को कभी भी, उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश नहीं की थी। एक समय आने पर जब उनके ग्रह उनको बल दिए और उनको राज गद्दी दी गई, तो उस गद्दी का पूर्णतया उन्होंने निर्वाहन किया। ना तो उन्होंने किसी लोभी को समझा, ना भारत सरकार में बैठे, केंद्र सरकार में बैठे लोगों का दबाव झेला, और अपने स्वतंत्र निर्णय लेते हुए कई जगहों पर उन्होंने एक राज्य सरकार का एक अलग निर्णय लिया है। कई जगहों पर उन्होंने, जैसे अगर आप देखें तो अयोध्या के मुद्दे पर व्यक्तिगत रूप से बहुत आक्रामक रूप से उन्होंने किया, और पहली बार जब दीप प्रज्वलन के साथ दीपावली मनाई उन्होंने, तो भारतवर्ष ही नहीं विदेशों में भी लोगों को पता चला कि दीपावली मनाई क्यों जाती। सबको पता तो था कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, लेकिन ये नहीं पता था कि भारतवर्ष में वो जगह है कहाँ जहाँ की वजह से दीपावली मनती है। तो लोग अयोध्या को जाने, लोग अयोध्या की धरा को जाने, लोग राम को और बेहतर तरीके से जाने, तो उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान है, खास करके अयोध्या नगरी को जानने के लिए वहाँ योगी आदित्यनाथ जी का। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहिए कि कठिन भले हो सकता है लेकिन असंभव नहीं, और जब तक वह नहीं चाहेंगे तब तक उनसे कोई पद परित्याग नहीं करा सकता है, यानी कि पद से उनको नहीं हटा सकता है, यह सुनिश्चित कर लीजिए। और यह पूर्णतया सत्य है, उनकी कुंडली के आधार पर शनि सूर्य की युति, राहु का षष्ठम भाव में होना, जो उनके विरोध में आएगा, अगर खुल करके कोई उनके विरोध में आ गया तो स्वतः ही उसका हो सकता है राजनीतिक करियर ही समाप्त हो जाए। इस तरीके की कह लीजिए कि वही कुंडली है जिससे बाल की कुंडली को कहा जाता है, कि उनके सामने आने पर बलहीन हो जाता है इंसान। तो अगर कोई भी योगी जी का विरोध करेगा तो वह बलहीन हो जाएगा, और उतनी ही प्रभाव वृद्धि योगी जी के कुंडली में दिखेगी। बिल्कुल, तो
जिस तरीके से आप बता रहे हैं उस तरीके से अगर हम देखें तो योगी जी को रिप्लेस करना कहीं से भी बीजेपी के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। बिल्कुल अंतर कला जो है उससे काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं बीजेपी की राजनीति और यूपी में खासकर योगी जी को लेकर, यहाँ पर डिप्टी सीएम को भी लेकर अंतर कला चल रही है सीएम और डिप्टी सीएम में। क्या लगता है, क्या ये योगी जी पर प्रभाव डालेगी, योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक करियर पर प्रभाव डालेगी? देखिए खुशबू जी, एक बहुत बड़े वक्तव्य से इस आपके प्रश्नों का जवाब शुरू करता हूँ। हालांकि आप कहेंगे कि इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसी का सबसे ज़्यादा लेना देना आगे आने वाले भविष्य में रहेगा। अब तक नारा दिया गया कि योगी है तो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो सब कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि अब यह नारा बदलने की बारी है। अब जो नारा होना चाहिए वह योगी है तो उम्मीद है। इस तरीके से अगर मुझे लगता है कि अब नारा परिवर्तित किया जाएगा तो शायद भाजपा का भी भविष्य और सुरक्षित हो जाए। दूसरी चीज़ कि चाहे विधानसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी चाहती है कि योगी जी के नाम को हटा करके चुनाव लड़ना, तो मुझे लगता है कि बीजेपी का मूल फिर से यूपी में समाप्त हो जाएगा और फिर वही 4 सीटों 5 सीटों 10 सीटों पर आ जाएगी। और अगर इन्हें लगता है कि कोई पिछड़ों का नेता या कोई भी नया नेता योगी जी के प्रभाव को रिप्लेस कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं। योगी जी को अगर कोई रिप्लेस कर सकता है तो योगी स्वयं कर सकते हैं, और वह तब कर सकते हैं जब बहुत जल्द उनके लिए केंद्र की गद्दी, सिंहासन, सर्वोच्च सिंहासन उनका इंतजार करेगा और बुलावा देगा। तो जब वह केंद्र की गद्दी पर बैठेंगे तो स्वतः वह जिसको प्रभाव में लाएंगे वही उत्तर प्रदेश का, कह लीजिए कि उस गद्दी का उत्तराधिकारी होगा। तो योगी को हटा पाना एकदम से असंभव है, और योगी है तो उम्मीद है। अब भारतवर्ष भी अब यह जान जाएगा, उत्तर प्रदेश तो जान ही चुका है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माफिया तंत्र को समाप्त किया गया जी, उस तरीके से अगर देखा जाए तो योगी के अलावा मुझे नहीं लगता है कि किसी भी, चाहे वह डिप्टी सीएम हो, अरे भाई जो भी डिप्टी सीएम है, बीजेपी ये क्यों नहीं बोलती है, ये उन्हीं पार्टियों से आए हुए हैं जो उन माफियाओं को पनाह दिए हुए थे। तो आप चाहे वह कह लीजिए केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लीजिए या अन्य जो पिछड़े हुए नेता बन रहे हैं, अपने आप को साबित कर रहे हैं, तो उनकी भी गणना भी तो आप उन्हीं माफियाओं से करेंगे। भाई उनके साथ कहते हैं कि भोजन और साथ का, यानी कि भोजन और उस माहौल का जिसके साथ आप रहते हैं उसका पूर्णतया प्रभाव पड़ता है। जैसा आप भोजन करेंगे वैसा आपका विचार होगा, जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसा ही आप विचार होगा। शेर को भी अगर हिरण के साथ पिंजड़े में बंद कर दिया जाए और कुछ दिनों तक उसके ही साथ आचरण वो करे, तो शेर भी हिरण जैसा व्यवहार करने लगता, वो भी घास खाने लगता है। तो एकदम से यह सत्यार्थ है, और योगी जी को रिप्लेस करना यह शब्द ही मुझे लगता है कि अब चर्चा ना किया जाए तो सही है, क्योंकि इसका उदाहरण हम लोगों ने देख लिया। खूब गर्मागर्मी हुई, खूब लोगों ने विरोध किया, लोगों ने नारा दिया कि सरकार से बड़ा संगठन है, यह भूल किया लोगों ने बोल करके। अब उसका पश्चाताप जो है केंद्र सरकार को करना पड़ा, केंद्र के लोगों को हस्तक्षेप करना पड़ा, और अंततः योगी जी वैसे ही विराजमान हैं, अपने फैसले निरंतर लेते जा रहे हैं अपने आप को। और उन्होंने अब तक देखे खुशबू जी, एक अंतर था कि योगी जी राजनेता नहीं थे, वह एक कट्टर धार्मिक नेता थे और एक योगी एक सन्यासी के रूप में शासन कर रहे थे, लेकिन नेताओं ने, लोगों ने उनको एक कूटनीतिज्ञ और राजनेता बना दिया है, वह दांव पेच सिखा दिया है, और अब तो उनको कोई पछाड़ ही नहीं सकता है। यह कुंडली से और उनके गुणों से सर्वदा सिद्ध हो जाता है, और अब सिर्फ एक ही नारा चलेगा कि योगी है तो उम्मीद है। लेकिन आचार्य जी, लोकसभा की बात करें तो जादू उस तरीके से नहीं चल पाया योगी आदित्यनाथ का, और इसी वजह से मेरा सवाल जो है अब विधानसभा चुनाव को लेकर है कि विधानसभा में योगी आदित्यनाथ कितना ज्यादा प्रभावशाली रहेंगे यूपी की जनता के लिए। देखिए खुशबू जी, जो कुंडली कहती है योगी आदित्यनाथ जी की और उत्तर प्रदेश का जो प्रभाव कहता है, ग्रही प्रभाव कहता है, अगर 2024 के लोकसभा इलेक्शन की आप बात करेंगी तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ और आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोग बहुत अच्छी तरह, मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह हो सकता है जानते हो कि योगी जी को उत्तर प्रदेश से ही दूर रखा गया। एक घर का मुखिया अगर घर से दूर रहेगा तो उस घर में कितनी खुशहाली रहेगी या वहाँ कितना सौभाग्य बरसेगा, यह आप स्वयं जानती हैं। ये सामान्यतः इसकी गणना कर लीजिए कि अगर परिवार से पिता 6 महीने की दूरी बना ले तो
सकता है पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाए। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के लिए एक पिता की, एक गार्जियन की भूमिका में योगी आदित्यनाथ जी हैं। मुझे लगता है कि सबसे कम जो उन्होंने सभाएं की हैं वो उत्तर प्रदेश में किया है, बाकी राज्यों में उनको घुमाया गया और उत्तर प्रदेश से ही उनकी दूरी बना ली गई। वो तो मजबूरी में वहां वहां जहां पर मोदी जी गए वहां पे प्रोटोकॉल के अंतर्गत वहां पे मुख्यमंत्री का होना अनिवार्य था, तो उनको उस सभाओं में आमंत्रित किया गया। ना चाहते हुए भी केंद्र ने, या कह लीजिए कि अभिमानी नेताओं ने भारत में बीजेपी के, उन्होंने वहां से उनकी दूरी बनाई तो उसका रिजल्ट आ गया। योगी के प्रभाव में कमी नहीं आया है और ना योगी के प्रभाव में कमी आएगा, क्योंकि वहां पर उनकी दूरी बनाई गई, ये दिखाया गया कि हम बिना योगी के भी अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। और ये तो शीर्ष नेताओं द्वारा नारा भी दिया गया कि सोचिए कि जिस आरएसएस ने बीजेपी को बनाया है, शीर्ष नेताओं ने अपने भाषण में खुलकर के बोला अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो ऐसे अवस्था में सोचिए कि बीजेपी योगी को कितनी वैल्यू देगी जब वो अपने ही पैदा किए हुए, यानी कि जो जिसने भाजपा को बनाया है, जो सृजन का कारक रहा है, उसको ही वो इग्नोर कर रहे हैं, तो योगी की कितनी वैल्यू करेंगे। और यही कारण है कि योगी को इग्नोर करना इनको भारी पड़ा। और निसंदेह आप लिख लीजिए कि अगर 2027 विधानसभा चुनाव में योगी को इग्नोर किया जाता है, योगी को चेहरा नहीं बनाया जाता है या केंद्र का चेहरा नहीं बनाया जाता है, तो आप देखिएगा सिमट कर रह जाएगी यूपी में बीजेपी। ये 100% मेरी चैलेंज है और भविष्यवाणी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। तो आचार्य जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे योगी आदित्यनाथ को लेकर, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का प्रभाव रहने वाला है 2027 में। अगर बीजेपी आगे नहीं करती है योगी आदित्यनाथ को, तो उनके लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। देखने वाली बात होगी कि 2027 में जब विधानसभा चुनाव होंगे यूपी में, उस समय क्या कुछ परिस्थितियां रहती है और रिजल्ट क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल इस खास वीडियो में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।